स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। सभी फ्रेंड्स यहाँ पे वेट कर रहे थे, तो आज हम लोग लेके आए हैं वाक्य के भेद, वाक्य के प्रकार। तो वाक्य के प्रकार जब हम पढ़ने वाले हैं, सेंटेंस के टाइप हिंदी में ग्रामर है, तो शुरू करते हैं। वाक्य के प्रकार को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, रचना के आधार पर। पहला आता है रचना के आधार पर, या इसको बोलो रचना के दृष्टि से, या फिर अर्थ की दृष्टि से बोलो, या अर्थ के आधार पर बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, बेसिस ऑफ मीनिंग एंड बेसिस ऑफ राइटिंग। रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर दो टाइप में डिवाइड किया गया है वाक्य के प्रकार को। तो पहला, रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। अब ये होते क्या है, तो पहले सरल वाक्य लिखते हैं। तो सरल वाक्य क्या होता है, एकदम सिंपलीफाइड रहता है, मतलब जैसे एकदम सिंपल सेंटेंस। जैसे एग्जांपल में यहां लिखता हूं बोर्ड में, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, मतलब सिंपल सेंटेंस जो होगा वो आपका सरल वाक्य होगा। लाइक वह घर जाता है, वह घर जाता है, एकदम सिंपल सेंटेंस है ना। वह घर जाते एकदम सिंपल है, हम खाना खाते हैं, वह बाजार जाता है, तो एकदम सिंपल सेंटेंस रहेगा, तो उसको बोलोगे सरल वाक्य, सिंपल एकदम। और संयुक्त वाक्य मतलब क्या, कि उसके संयुक्त वाक्य मतलब क्या होता है, कि अगर पहला सेंटेंस आप बोल रहे हो, पहला बोलोगे, जब तक दूसरा नहीं बोलोगे तब तक पहले का मतलब समझ में नहीं आएगा। जैसे राम ने कहा कि, अब देखो राम ने कहा कि मैंने बोल दिया है, बट उसके आगे का जब बोलूंगा तब इस पूरे सेंटेंस का मतलब समझ में आएगा। क्लोज द डोर, हाँ, तब इस पूरे सेंटेंस का मतलब समझ आएगा। तो राम ने कहा कि, तो अगर बीच में की आता है किसी के वाक्य के अंदर, बीच में की आता है तो उसको बोल सकते हो संयुक्त वाक्य। जैसे मोहन ने कहा कि सभी लोग गाँव जाओ, तो की आ गया उसमें, तो ऐसा कुछ इसमें है, तो संयुक्त वाक्य मतलब बीच में की आना चाहिए। और लास्ट में आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य मतलब क्या, उसमें रहेगा किंतु, परंतु, लेकिन, किंतु परंतु लेकिन बंधु, अगर ये सब रहेगा तो उसको बोलोगे मिश्र वाक्य। किंतु परंतु लेकिन, ये सब चीजें, जैसे उसने खाना खाया किंतु मुझे नहीं खिलाया, वह बाजार गया परंतु सब्जी लाना भूल गया, तो ये सब चीजें, मैं गांव जाऊंगा लेकिन तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, तो लेकिन आ गया ना। तो लेकिन किंतु परंतु अगर किसी वाक्य में आएगा तो वो होगा हमारा मिश्र वाक्य। अगर किसी वाक्य में की आएगा और पहले का पहला वाक्य बोलने पर जब तक दूसरा वाक्य नहीं बोलोगे सेंटेंस, तब तक उसका मतलब समझ नहीं आएगा, तो उसको बोलोगे संयुक्त वाक्य। जैसे राजा ने कहा कि सभी लोग गांव में आ जाओ, तो की बोला ना वहां पर, की आएगा तो समझो की अगर आएगा जहां तक की आता है तो संयुक्त वाक्य। तो सबको ये समझ आया। नाउ नेक्स्ट हमारा है रचना के आधार पर तीन वाक्य हो गए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब आता है हमारा अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर कुल आठ प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, आठ प्रकार। आठ प्रकार का बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आठों प्रकार का एक कोड बता दूंगा, अगर याद करें तो एकदम सिंपली याद जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है, इसको देखो, विधानवाचक बोलो या विधानार्थक बोलो, प्रश्नार्थक बोलो या प्रश्नवाचक बोलो, अज्ञार्थक बोलो या अज्ञानवाचक बोलो, विस्मयार्थक बोलो या विस्मयादि, हाँ विस्मयबोधक, विस्मयवाचक बोलो, ऐसा इच्छार्थक बोलो या इच्छावाचक बोलो, मतलब वाचक बोलो या अर्थक बोलो, तो दोनों सेम चलेगा, कोई डाउट नहीं उसमें। तो विधानार्थक वाक्य या विधान सूचक वाक्य लिखते हैं। तो विधानार्थक वाक्य जो रहेगा वो एकदम सरल वाक्य के जैसा एकदम सेम रहेगा, इसको बोलेंगे सिंपल, ये भी एकदम सिंपल रहेगा। जैसे अगर आपको पूछा गया, चलो तो अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से एक विधानार्थक वाक्य बोलो, तो आपको एकदम सिंपल सरल वाक्य बोल देना है, वह बाजार जाता है, तो ये विधानार्थक वाक्य है। और यही रचना के आधार पर सरल वाक्य का भी यही सेम एग्जाम्पल होगा। अगर इसमें क्या होता है, अगर वो आपको अर्थ की दृष्टि से क्वेश्चन पूछता है तो अर्थ के आधार पर ये सब आपको बताना पड़ता है। अगर वो रचना के आधार पर पूछता है, रचना की दृष्टि से पूछता है, तो आपको ये सब बताना पड़ता है।
तो उसके बाद सिंपल विधानार्थक मतलब क्या, अगर सिंपल सेंटेंस रहेगा, सेकंड वन है आपका प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक मतलब क्या, उसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा, उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। प्रश्नार्थक मतलब क्या, लास्ट में उसके क्वेश्चन मार्क रहेगा, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो क्या है बोले तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है ऐसा कुछ। अब देखो थर्ड वाला है अज्ञार्थक वाक्य। अज्ञार्थक वाक्य का कोड याद कर लो ऑर्डर। अज्ञार्थक वाक्य में आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, जैसे ऑर्डर देंगे तो उसको बोलेंगे अज्ञार्थक, जैसे चलो यहां से जाओ तो ये अज्ञार्थक हो गया, और सभी लोग कक्षा में आ जाए तो ये भी अज्ञार्थक हो गया, बैठ जाओ उठ जाओ, ये सब चीजें अज्ञार्थक मतलब ऑर्डर देंगे। जब किसी को ऑर्डर देंगे उसको बोलेंगे अज्ञार्थक वाक्य। फोर्थ आपका आता है विस्मार्थक वाक्य। विस्मार्थक वाक्य कोई भी रहेगा तो उसका ये इंडिकेटर है कि आपको एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा। जैसे प्रश्नार्थक में क्वेश्चन मार्क रहेगा वैसे विस्मार्थक में एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, विस्मार्थक बोधक चिन्ह रहेगा, तो उसको बोलोगे विस्मार्थक वाक्य। जैसे अरे अरे तुम क्या कर रहे हो, तो अरे के बाद में ऐसा एक मार्क रहेगा तो उसको बोलोगे विस्मार्थक वाक्य। उसके बाद आता है इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक मतलब आपको कुछ इच्छा रहेगा, तो आपको इच्छा आपकी रहेगी जैसे कि मेरा मन है, मेरा मन है कि आज मैं गाऊं ना, और क्या बोलते हैं, मेरा मन करता है कि मैं कोई मूवी देखूं। तो जब मन करेगा आपकी किसी चीज को लेकर इच्छा होगी, अंदर से आपकी इच्छा होगी, किसी चीज की इच्छा होगी आपको, तो उसको बोलेंगे इच्छार्थक वाक्य। क्या बोलेंगे, इच्छार्थक वाक्य। उसके बाद आता है संदेहवाचक। संदेह मतलब जैसे कोई संदेह है आपको, संदेहवाचक को संदेशवाचक नहीं बोलते हैं, तो संदेहवाचक ऐसा करते हैं कि आपको कोई डाउट रहेगा। जब आपको कोई डाउट रहेगा डी होगी, जब आपको कोई डाउट रहेगा तो उसको बोलोगे संदेहवाचक वाक्य। जैसे लगता है कल बारिश होगी, तो आप बोले लगता है मतलब आप डाउट कर रहे हो। जब आप कभी किसी चीज को लेकर डाउट करोगे तो उसको बोलेंगे संदेहवाचक वाक्य। जैसे शायद कल मोहन स्कूल ना आए, शायद लगता है, ये सब चीजें जब लगाओगे तो उसको बोलेंगे संदेहवाचक वाक्य। आपका सेवन आता है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक मतलब क्या, कि आप संकेत दोगे यहां वहां, ये सब चीजें संकेत रहेगा उसमें। जैसे संकेतवाचक वाक्य, कल मैं वहां गया था, तो उसमें अगर प्लेसेस रहेंगे, प्लेसेस क्लियर प्लेसेस रहेंगे तो उसको बोलोगे संकेतवाचक वाक्य। उसका आपका लास्ट आता है निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक का मतलब यहाँ पे नी है, नी मतलब नो, नी मतलब नो, तो किसी भी वाक्य में अगर नहीं आ गया, नहीं नहीं आ गया, अगर नहीं आ गया तो सीधा वो निषेधार्थक वाक्य हो जाता है। तो आपको अगर ये पूरा अच्छे समझा हो तो क्या किसी कोई डाउट नहीं है ना, तो एकदम क्लियर है। तो आर के आधार पर आठ होते हैं और रचना के आधार पर तीन होते हैं, तो इसमें क्वेश्चन ऐसा आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, खास करके 10th 12th वाले को, तो आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो तो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।